एपिसोड की शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और रोने लगता है और तब आस्था उसे उठाते हुए कहता है तुम ऐसे मत रो मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और वो दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगते हैं और तब यहां वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली कहती है एक्चुअल में ये खाना फादर ने बनाया है तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे। और तब आस्था उस बात से चिढ़ जाता है। तब यूनो से कहता है ऐसा नहीं हो सकता सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था कहता है पर मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विजिट किंग की कहानी सुना रही होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे फर्स्ट विजार्ड किंग ने एक डीमन को हराकर शांति स्थापित की। तब यहाँ अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विजिट किंग के बारे में पूछने लगता है। तब सिस्टर लिली उसे बताती हैं विजिट किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है। ये विजिट किंग की पावर ही है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब आस्था कहता है तो फिर तय हो गया अगला विजिट किंग मैं बनूंगा। जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब सिस्टर लिली के पूछने पर आस्था बताता है क्योंकि विजर्ड किंग ने डीमन को हराया था तो इसका मतलब वो जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होंगे। मैं बस बड़ा होके उनकी तरह बनना चाहता हूँ और अगर मैं एक बार विजिट किंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को इजी बना पाऊंगा और मैं इस बेकार सी चर्च को ठीक करवा दूंगा और जब मैं एक बार विजिट किंग बन जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती हैं। तब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्था अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है पर हम देखते हैं उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्था कहता है सिस्टर लिली मैं आपकी मदद कर देता हूँ और फिर आप मुझसे बाद में शादी कर लेना। पर हम देखते हैं सिस्टर लिली फिर से मना कर देती हैं और तब आस्था फिर से रोते रोते जिद करने लगता है और यहाँ यूनो बच्चों को संभाल होता है। तब आस्था कहता है मैं इसे संभालता हूँ एक फ्यूचर विजार्ड किंग के लिए ये कितना ही मुश्किल होगा। और हम देखते हैं आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती हैं पर तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं और आस्था ये काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तब फादर वो काम यूनो को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है तो मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता तो चुपके से ये काम तुम कर लो। मुझे साथ के विलेज के मेयर से मिलना होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्था से कहती है तो अगर तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते तो कम से कम लकड़ियाँ ही काट दो आखिरकार तुम कुछ तो काम आओ। जिससे आस्था चिढ़ जाता है और यहाँ हम देखते हैं एक बार ऑनर एक पर्सन के पास पैसे ना होने की वजह से उसे बाहर निकाल देता है पर तभी यूनो वहाँ से गुजरता है और उसके पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। यूनो उस लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। तब वो पर्सन यूनो को रोक लेता है और यहाँ सिस्टर लिली यूनो की फिक्र कर रही होती हैं। तब वो पर्सन यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है। तब वो पर्सन कहता है अगर तुम इस बेकार से स्पेल से मेरे साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं आस्था आके उस आदमी के ऊपर कूद जाता है पर वो आदमी उसे दूर फेंक देता है पर आस्था फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्था को मार रहा होता है पर हम देखते हैं आस्था फिर भी हार नहीं मान रहा होता जिससे तंग आकर वो आदमी उस पेंडेंट को वहीं फेंक कर वहां से चला जाता है और आस्था नीचे गिर जाता है और यूनो उससे माफी मांगने लगता है। तब आस्था कहता है तो मेरी इतना चिंता मत करो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ रेवची कह रहा होता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था तो तुम्हारे पास ये ग्रीम वॉर कैसे आई आखिरकार तुम हो क्या। और तर रेवची अपनी चेन से आस्था के ऊपर हमला करने लगता है और आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो पर मैं फिर भी विजार्ड किंग बन के रहूंगा और कभी हारना मानना यही मेरा मैजिक है। और उसे दीवार में पटक देता है और कहता है मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है तो आखिरकार वो आज मेरे काम आ ही गया। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा
तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विजर्ड किंग बनके तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सभी को ये प्रूफ कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या फिर अनाथ, आप फिर भी विजर्ड किंग बन सकते हैं। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्दत से करना चाहे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और तब यूनो अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैंने सोच लिया है मैं भी विजर्ड किंग बनूंगा और मैं भी स्ट्रांग होके तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिंदगियों को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में आस्था यूनो को अपनी ग्रिमवॉर दिखा रहा होता है। तब यूनो कहता है, तो तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूंगा। आस्था, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? और तब हमें वो प्रॉमिस दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे। तब यूनो कहता है, वो तुम थे आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए। तब वो दोनों कहते हैं, हम विजर्ड किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक डीमन शहर पर हमला कर देता है और तब एक विजर्ड आकर उसे हरा देता है। और हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी पर खतरा था, तब एक अकेले विजर्ड ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे विजर्ड किंग का दर्जा दिया गया और तब वो एक लेजेंड बन गया। और तब हमें आज के क्लोवर किंगडम का विजर्ड किंग दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखता है। और तब हमें बताया जाता है मैजिक नाइट्स में विजर्ड्स की 9 स्क्वाड्स हैं और वो सारी विजर्ड किंग के अंडर आती हैं और ये सभी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है। और तब आस्था अपने ग्रिमवॉर को पकड़कर कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को छूऊंगा। और वो फिर से अपने तलवार को पकड़कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जो कि अब से 6 मंथ्स बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा। और यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और कहता है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और तब यहाँ ग्रिमवॉर टावर में फादर कहते हैं, यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है पर क्या आस्था को भी इस एग्जाम में अलाउ करना सही रहेगा? तब ग्रिमवॉर टावर का ओनर कहता है, अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एग्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रिमवॉर टावर का ओनर सेम आंसर दे रहा होता है और कहता है, अब मुझे समझ आया कि अगर आस्था रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तब फादर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है तो फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का क्या पॉइंट, और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसा देखना बंद करो। तब सिस्टर लिली कहती हैं, मैं भी उन्हें मिस करूंगी पर उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए। तब ग्रिमवॉर टावर का ओनर कहता है, तुम इस तरह सोचो, अगर यूनो जीत भी जाएगा तो आस्था हार कर तो वापिस ही आ जाएगा। तब फादर खुश होकर कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, चाहे यूनो चला जाएगा पर आस्था तो हमारे पास वापिस ही आ जाएगा। और अब आस्था की ग्रिमवॉर के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो एक ग्रिमवॉर है, क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। तब ग्रिमवॉर टावर का ओनर कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सोचता है 5 लीफ क्लोवर, ये बहुत अजीब बात है। और यहाँ आस्था ट्रेनिंग करते हुए चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्था को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है। तब वो दोनों चर्च पहुँच जाते हैं। तब आस्था पूछता है, हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया? तब नैश कहता है, यूनो तुमसे थोड़ा ज्यादा फास्ट था। तब आस्था कहता है, चलो देखते हैं चर्च के अंदर पहले कौन जाता है। तब यूनो आस्था को हवा में उड़ा देता है और कहता है, मैं जीत गया। और यहाँ आस्था नींद में विजर्ड किंग बनने के सपने देख रहा होता है। और अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और नैश उससे मिलने आता है और आस्था पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नैश कहता है, मैं बोर हो रहा था तो फिर मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ की ट्रेनिंग देखने आ गया, जिससे आस्था तंग हो जाता है। तब नैश पूछता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक
यूज ही नहीं कर सकते तो फिर तुम मैजिक नाइट एग्जाम क्यों दे रहे हो, तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। तब आस्था कहता है पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, देखो अब मेरे पास ग्रिमोर आ चुकी है तो फिर मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो सकता हूँ और एक दिन मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा। तब नैश गुस्से में कहता है ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को सपने देखने की कोई आजादी नहीं है। तब आस्था उसके पास आकर जोर से कहता है तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तुम मुझे ही देख लो मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे तुम जितने मर्जी गरीब हो पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके लोगों को खुश करना चाहता हूँ और मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करके और विजिट किंग बन के ये प्रूफ कर दूंगा। और यहाँ रात को यूनो और आस्था के जाने से पहले एक पार्टी रखी होती है और तब आस्था फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तब फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है और वैसे तो ये यूनो के लिए ही है क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एग्जाम को पास करेगा, एग्जाम में फेल होने के बाद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और से भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम पास हो जाओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्था कहता है ये सारी बातें आप यूनो को भी कहोगे ना, तब फादर मना कर देते हैं। तब आस्था कहता है ये गलत बात है, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस आ जाऊंगा। तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था के एक पंच मारती हैं और सभी को खाना खाने के लिए कहती हैं और अगले दिन वो सभी आस्था और यूनो को अलविदा कहने लगते हैं। तब नैश कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्द वापस आने वाला है, पर अगर आस्था अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट में एंटर हो गए तब मैं भी विश्वास कर लूंगा कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं, तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाऊं। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब सिस्टर लिली सोचती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं और जब से मैं आस्था से मिली हूँ वो हमेशा से पूरी फुल एनर्जी में रहता था, और बताती हैं कि आस्था पहले से ही ऐसा ही था। और सिस्टर लिली सोचती हैं और यूनो भी आस्था की वजह से स्ट्रांग बन गया, बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके, और रॉयल कैपिटल हेज विलेज से काफी दूर है। तब आस्था कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी और क्या पता हम विजिट किंग से भी मिल पाएं। तब यूनो कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट एग्जाम पास करना होगा। तब आस्था भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विजिट किंग बनना है। तब यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहां पहुंच जाओ पर इसका विजिट किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। और तब आस्था सपनों में विजिट किंग बनके सिस्टर लिली को साथ घुमाने ले जाता है और उस चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यूनो कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो। तब आस्था कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी ग्रिमोर की मदद से ये सब कुछ कर लूंगा, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, चलो जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं पर आस्था हार नहीं मान रहा होता पर यूनो उसे रोक देता है और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगते हैं। और तब हमें बताया जाता है बहुत लंबी जर्नी के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल के पास पहुंच गए और वहां मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा था और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।